दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनाया गया है। इसका निर्माण नेशनल हाईवे 44 पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। यह हाईवे सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व के बफर एरिया से गुजरता है। इस हाईवे को इस तरह बनाया गया है जिससे वन प्राणियों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। 29 किलोमीटर की ये सड़क नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। इसे जब बनाया जा रहा था तब सभी विभागों को वन्य प्राणियों की चिंता सता रही थी। ऐसे में वन विभाग, NTCA, WII और पेंच टाइगर रिजर्व ने पूरी जांच के बाद वन्य प्राणियों के आने जाने के लिए एनिमल अंडरपास बनाने का सुझाव NHAI को दिया। इसलिए वन्य क्षेत्र की 21.69 किलोमीटर एलिवेटेड फोर लेन सड़क एवं अंडरपास के दोनों किनारों पर राउंड बैरियर और हेडलाइट डिफ्यूजर लगाकर लगभग 4 मीटर स्टील की ऊंची दीवारें तैयार की गई हैं। इस दीवार का फायदा ये है कि इसकी वजह से भारी वाहनों की हेडलाइट की तेज रोशनी और शोरगुल जंगल तक नहीं पहुंचते। लाइट के साथ साथ ट्रैफिक का भी वन्य जीवों पर कोई असर नहीं होता। जानवरों के साथ साथ यहाँ किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए संभावित जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक वन्य प्राणियों की सुरक्षा के मद्देनजर मोहो गांव से खवासा के बीच NH44 के 29 किलोमीटर हिस्से का निर्माण नहीं हो पा रहा था। यह मामला 10 साल से अटका हुआ था। सरकार ने पुरानी सड़क को 4 लेन में बदलने की योजना बनाई। इस तरह किसी टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाले देश के पहले साउंड एवं लाइट प्रूफ नेशनल हाईवे की नींव रखी गई। इस प्रोजेक्ट की लागत 950 करोड़ रुपए है। इसे हाईटेक बनाया गया है। जानवरों के लिए 14 एनिमल अंडरपास बनाए गए हैं। इन्हें नेशनल हाईवे के 3.5 किलोमीटर हिस्से में बनाया गया है। यहाँ पानी निकासी के लिए 58 कल्वर्टर में से 18 एनिमल क्रॉसिंग अल्वेटर बनाए गए हैं। अब जंगली जानवर ऊपर से न जाकर नीचे से सड़क पार कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।